नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए खास है जो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती का इन फ्यूचर एग्जाम देने वाले हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम डेट को लेकर एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी भर्तियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, हर छोटी बड़ी खबर मैं आपसे यहाँ शेयर करता रहता हूँ। तो अपनी बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती को लेकर। सेकंड ग्रेड अभी इसका विज्ञापन ही जारी नहीं हुआ है और थर्ड ग्रेड के लिए कुछ भी अता पता नहीं है। और सभी स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न है कि हमें अगर एग्जैक्ट डेट पता लग जाए ना, एग्जाम डेट कब होगा, कुछ अंदाजा भी लग जाए, कोई अच्छी सूचना मिल जाए, तो हम अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं कि कौन से एग्जाम की करें और कौन से एग्जाम को छोड़ दें। तो मुझे जो अपडेट मिली है आरपीएससी से फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को लेकर, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का तो विज्ञापन जारी हो चुका है, आप सभी को पता है 2202 पदों पर भर्ती हो रही है, लेकिन अभी तो सेकंड ग्रेड का तो विज्ञापन ही जारी नहीं हुआ है, फर्स्ट ग्रेड का एक विज्ञापन जारी हो चुका है। फॉर्म चल रहे हैं, अगर आपने नहीं भरा तो आप अपना फॉर्म भर दीजिए, लास्ट डेट को वेट मत कीजिए अगर आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि बाद में लास्ट डेट के अंदर जो रश हो जाता है सर्वर पर और सर्वर बिजी हो जाता है और तमाम परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। खैर उसको छोड़िए, अपने मुद्दे पे आते हैं, बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड एग्जाम डेट को लेकर। तो एग्जाम डेट के बारे में जो सूचना मिल रही है फर्स्ट ग्रेड को लेकर, तो वो सूचना मिल रही है 19/10/2025 के बाद कभी भी, के बाद कभी भी, ठीक है, 19/10/2025 के बाद कभी भी। बड़ी सटीक और सही सूचना है, जिससे भी मैंने सूचना ली और मैंने पहले भी जितने भी वीडियोस के अंदर जो भी सूचना दी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट दी है। तो ये 19/10/2025 के बाद कभी भी हो सकता है। मेरी जो बात हुई आरपीएससी में, उन्होंने मुझे बताया कि जो स्लॉट होते हैं एग्जामिनेशन एग्जाम करवाने के लिए, वो 19 अक्टूबर 2025 से पहले कोई भी स्लॉट आरपीएससी के पास नहीं है टीचर भर्ती के लिए। तो 19 अक्टूबर 2025 के बाद ये आपका फर्स्ट ग्रेड एग्जाम होगा। फिर मैंने पूछा कि सर लगे आप सेकंड ग्रेड पर, सेकंड ग्रेड का भी बता दीजिए, तो बोले कि सेकंड ग्रेड की तो अभी विज्ञप्ति ही जारी नहीं हुई। उनका सर विज्ञप्ति तो जारी हो रही है, आप सभी को पता ही है वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। तो उन्होंने बताया कि विज्ञप्ति जारी होगी लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, 2129 पदों की वित्तीय स्वीकृति अपने को पता है मिल चुकी है। और फिर उन्होंने बताया कि जो सेकंड ग्रेड है उसको भी आप मान के चलो 19 अक्टूबर के बाद ही होगा, क्योंकि 19 अक्टूबर तक आरपीएससी के पास कोई भी स्लॉट नहीं है, 19 अक्टूबर के बाद ही होगा, उससे पहले आरपीएससी के पास कोई भी स्लॉट नहीं है। तो ये तो बात थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को लेकर। फिर मैंने पता किसी से करवाया थर्ड ग्रेड को लेकर, क्योंकि थर्ड ग्रेड का एग्जाम आरपीएससी नहीं करवाती, आप सभी को पता है आरएसएमएसएसबी बोर्ड करवाएगा इसका एग्जाम। तो मैंने कहीं से जानकारी निकलवाने के प्रयास किया कि थर्ड ग्रेड का एग्जाम कब हो सकता है, शिक्षा विभाग के सूत्रों से जानकारी निकालने का प्रयास किया थर्ड ग्रेड एग्जाम को लेकर। तो पहले तो आप सभी को पता है रीट होगी, ठीक है, रीट जो आपका प्री एग्जाम है थर्ड ग्रेड टीचर के लिए, वो फरवरी 2025 में उसका एग्जाम होना प्रस्तावित है। फिर उसमें तकरीबन 2 माह रिजल्ट में लग जाएंगे। अगस्त के अंदर कहीं आपकी थर्ड ग्रेड टीचर की विज्ञप्ति आएगी। तो थर्ड ग्रेड टीचर की विज्ञप्ति को लेकर जो अपडेट है वो है अगस्त 2025। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट। थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती की जो विज्ञप्ति जारी होगी वो जारी होगी अगस्त 2025 में, और उसके बाद कुछ एग्जाम का जो शेड्यूल है वो निकलेगा। अभी एग्जाम को लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जहां तक संभव है 2025 के अंदर थर्ड ग्रेड एग्जाम नहीं होगा, ये एग्जाम अपने को 2026 में देखने को मिलेगा, ठीक है। बात आपके समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट ग्रेड जो है वो आपका 19 अक्टूबर 2025 के बाद, और सेकंड ग्रेड भी 19 अक्टूबर 2025 के बाद कभी भी हो सकता है, और जो थर्ड ग्रेड एग्जाम है वो आपको 2025 में शायद ही देखने को मिले। अगर बाय चांस ये एग्जाम 2025 में हो भी जाता है तो बिल्कुल ये मान के चलिए दिसंबर एंड में, 2025 के एंड में, और 90% ये एग्जाम 2025 में नहीं होगा। अब ये जो 2202 पद हैं और 2129 पदों के लिए एक सूचना और मिली कि मैंने पूछा सर इसमें क्या पद बढ़ सकते हैं क्या कुछ, तो बोले कि डीपीसी का मामला आप सभी के नॉलेज में है, वो लंबित चल रहा है और न्यायालय में विचाराधीन है। अगर न्यायालय से मामला सुलझ गया, न्यायालय से मामला सुलझ गया एग्जाम डेट से पहले पहले,
तो 100% पद बढ़ेंगे और फिर एग्जाम डेट आगे और जाएगी, फिर एग्जाम डेट आगे और जाएगी अगर मामला सुलझ गया। अभी के लिए अपने पास 19 अक्टूबर है, क्योंकि अगर पद बढ़ेंगे तो दोबारा से फॉर्म रीओपन होंगे, दोबारा से फॉर्म रीओपन होंगे तो उन सभी स्टूडेंट्स जो दोबारा से फॉर्म भरेंगे रीओपन होने के बाद, उनको भी तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, 4-5 माह का। तो फिर जरूर है, 100% ये जरूरी है कि एग्जाम डेट आगे खिसकेगी। तो एग्जाम डेट के लिए ये लेटेस्ट अपडेट थी आप सभी के लिए, अभी के लिए 19 अक्टूबर 2025 है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।